नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो दोस्तों, T20 विश्व कप 2021 का कारवां अब पहुंच चुका है अंतिम पड़ाव पर, जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 14 नवंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस महामुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मुकाबले में दुबई का वेदर कैसा रह सकती है। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले में दुबई की पिच रिपोर्ट क्या बता रही है, पिच कैसा बिहेव कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं, और वीडियो के अंत में मैं अपने इस फाइनल मुकाबले की विन प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दुबई के वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो दुबई का वेदर इस मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, मौसम पूरी तरीके से साफ है, बारिश की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर टेम्परेचर्स की बात की जाए तो मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किए गए हैं, और इसके अलावा अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो वो 48% के आसपास रह सकती है। इसका मतलब पिछले मुकाबलों की तरह आपको इस मुकाबले में ह्यूमिडिटी जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी, यानी कि प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, गर्मी उतनी ज़्यादा शायद नहीं रहेगी, और आपको अनइंटरप्टेड पूरा फाइनल मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फाइनल मुकाबले के लिए दुबई के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, दुबई के मैदान पर इस T20 वर्ल्ड कप 2021 के जितने भी मुकाबले हुए हैं, वहां पर हमने ये देखा है कि इस पिच पर जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, गेंद बल्ले पर उतने अच्छे से नहीं आती है। लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि पहली पारी में भी अब बल्लेबाजी पहले की अपेक्षा थोड़ी सी आसान हो गई है, और हमने ये चीज़ सेमीफाइनल में भी देखी थी जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बोर्ड पर लगाए थे सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे। तो इसका मतलब ये है कि अब ये पिच थोड़ा सा बेहतर बिहेव कर रही है पहली पारी में भी, और अब बल्लेबाजी की जा सकती है अगर आप यहाँ पर अच्छे से अप्लाई करें तो। हालांकि दोस्तों, इस मैदान पर जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो चेजिंग ही प्रेफर करता है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में हल थोड़ी बहुत ड्यू भी आती है और कभी कभी ज़्यादा ड्यू भी आती है, जिससे कि चेजिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और अगर ड्यू नहीं भी आती है, जैसे कि हमने सेमीफाइनल मुकाबले में देखा था, तब भी दूसरी पारी में जो पिच है वो और ज़्यादा ईज आउट हो जाती है और स्ट्रोक मेकिंग दूसरी पारी में बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसलिए अगर टीम्स यहाँ पर 170 या 180 रन भी पहली पारी में लगाती हैं तो वो भी चेज़ ईजिली हो सकता है, और ये चीज़ हम सेमीफाइनल में देख चुके हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो मेरे हिसाब से गेंदबाजी करना ही चुनेगा, और उसके पास एडवांटेज भी रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। मुझे लगता है कि 70-80% मैच उसके फेवर में चला जाएगा अगर वो टॉस जीतकर यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला लेता है तो। इसके अलावा अगर इस दुबई के मैदान के रिकॉर्ड की बात की जाए तो 12 मैचेस इस T20 वर्ल्ड कप 2021 के इस मैदान पर खेले गए हैं, जहां पर दोस्तों एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर जो 132 का है। इसके अलावा सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 11 मुकाबले जीते हैं, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मात्र 1 मुकाबला ही जीता है। तो दोस्तों, ये रिकॉर्ड भी स्पष्ट कर देते हैं कि इस मैदान पर चेजिंग ही वे फॉरवर्ड है, और यहाँ पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा, क्योंकि यहाँ पर चेजिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप 2021 में एक ही प्लेइंग 11 खिलाई और कंसिस्टेंटली उसी के साथ परसिस्ट की है और सक्सेस भी मिली है, और जिस प्लेइंग 11 के साथ उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबला जीता है, मुझे नहीं लगता कि उस प्लेइंग 11 में कोई चेंज करना भी चाहिए, और वो चेंज करेंगे भी नहीं। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अनचेंज्ड प्लेइंग 11 के साथ ही इस फाइनल मुकाबले में भी खेलते हुए नजर आएगी, जहां पर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे डेविड वार्नर के साथ कैप्टन एरन फिंच, नंबर 3 पर आएंगे मिचेल मार्श, नंबर 4 पर स्टीवन स्मिथ, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर मार्कस स्टोइनिस, नंबर 7 पर विकेटकीपर बैट्समैन मैथ्यू वेड, नंबर 8 पर पैट कमिंस, नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पर एडम जैम्पा और नंबर 11 पर जॉश हेजलवुड खेल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ने भी इस T20 वर्ल्ड कप 2021 में एक ही प्लेइंग 11 के साथ परसिस्ट किया है और लगातार 5 मुकाबले इस T20 वर्ल्ड कप 2021 में जीत कर वो फाइनल मुकाबले में पहुंचे। तो ये भी अपनी प्लेइंग 11 में कोई ज़्यादा बदलाव करते हुए नजर नहीं आएंगे आपको इस फाइनल मुकाबले के लिए। हालांकि इनको एक फोर्स चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिवॉन कॉनवे जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं और वो फाइनल मुकाबले के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से आपको इनकी जगह टिम साइफर्ट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इनकी भी सेम प्लेइंग 11 ही नजर आएगी जो कि सेमीफाइनल मुकाबला खेली थी। तो दोस्तों, आपको न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं इस मुकाबले में मार्टिन गप्टिल के साथ डैरिल मिचेल, नंबर 3 पर आ सकते हैं कैप्टन केन विलियमसन, नंबर 4 पर विकेटकीपर टिम साइफर्ट, नंबर 5 पर ग्लेन फिलिप्स, नंबर 6 पर जेम्स नीशम, नंबर 7 पर मिचेल सैंटनर, नंबर 8 पर एडम मिलने, नंबर 9 पर टिम साउदी, नंबर 10 पर इश्ट सोडी और नंबर 11 पर ट्रेंट बोल्ट खेल सकते हैं।
तो दोस्तों इस कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 आपको दोनों टीमों की तरफ से इस फाइनल मुकाबले में नजर आ सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस फाइनल मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की कि मुझे क्या लगता है कौन सी टीम यह मुकाबला जीतने वाली है। तो दोस्तों इस मैच में विनर प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें लाजवाब क्रिकेट खेलते हुए आ रही है और दोनों टीमें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा कम गलतियां करती हैं और इस T20 वर्ल्ड कप 2021 में हमने ये चीज देखी है, तभी ये दोनों टीमें फाइनल मुकाबले में पहुंची हैं। और अगर इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो अभी तक 14 बार T20 इंटरनेशनल्स में आमना सामना हुआ है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा न्यूजीलैंड के ऊपर भारी रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 9 मुकाबले जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड की टीम मात्र 5 मुकाबले ही जीत पाई है। इसके अलावा अगर हम रीसेंट 5 मुकाबले की बात करें जो इन दोनों टीमों के बीच हुए हैं तो वहां पर न्यूजीलैंड के पास थोड़ा सा एज हासिल है। न्यूजीलैंड की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मुकाबले ही जीत पाई है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में इन दोनों टीमों का आमना सामना मात्र एक बार हुआ है, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने बाजी मारी थी। तो दोस्तों ओवरऑल में आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वहां पे न्यूजीलैंड के पास एज हासिल है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो यहां भी मामला 50-50 नजर आ रहा है और ये मुकाबला ही कुछ इसी प्रकार होगा, 50-50 बहुत ज्यादा क्लोज होगा, आप अंत तक बता नहीं पाएंगे कि ये कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी। और ये फाइनल मुकाबला ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि दो बेस्ट टीम के बीच मुकाबला हो रहा है टूर्नामेंट की, तो आपको एक क्लोज मुकाबला देखने को मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरे इस मैच की जो विन प्रेडिक्शन है वो थोड़ी यहां पर टिल्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और उसके पीछे का रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़े मैचेस खेलने का और जीतने का यानी कि प्रेशर हैंडल करने का जो उनके पास आर्ट है वो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स से ज्यादा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कई सारे ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले खेले हैं और उन्हें जीता भी हुआ है। तो उनके पास बड़े मैचेस का प्रेशर हैंडल करने का और जीतने का एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड की टीम से ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज यहां पर हासिल है ऑस्ट्रेलिया के पास। 55% मैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया को दे रहा हूं, 45% मैं न्यूजीलैंड को दे रहा हूं। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि अब ये जिस तरीके के क्रिकेट खेल रहे हैं अंडर द कैप्टेंसी ऑफ केन विलियमसन वो लाजवाब है और न्यूजीलैंड की टीम में पूरा मादा है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास थोड़ा सा एज हासिल है इसी वजह से न्यूजीलैंड के ऊपर। और एक और फैक्टर जो मेरी गट फीलिंग कहती है वो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम ने इस 2021 के साल में ऑलरेडी एक ICC ट्रॉफी जीत रखी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो एक ही साल में दूसरी ICC ट्रॉफी मुझे लगता है कि शायद न्यूजीलैंड की टीम ना जीत पाए, ऐसा मेरी फीलिंग है। हो सकता है कि वो जीत भी सकते हैं क्योंकि उनके अंदर काबिलियत तो है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने अभी तक T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब नहीं जीता है वो मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप इस साल ऑस्ट्रेलिया की टीम ही जीतने वाली है। इसलिए दोस्तों इस मैच की विन प्रेडिक्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जा रही है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीतने वाली है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।